जिन लोगों के बाल एकदम बेजान हो गए हैं, डल ड्राई फ्रिजी हेयर से परेशान है, आज का हेयर मास्क आप लोगों के लिए है। वो आपके बालों में जान डाल देगा और सॉफ्ट और शाइनी बना देगा। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखारते हैं। चलिए जल्दी से हम हमारी रेमेडी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया है, उसे मैं पील कर रही हूँ। अब मैंने इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। बनाना के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स एंड नेचुरल ऑयल्स होते हैं। जो ये नेचुरल ऑयल्स होते हैं, ये बालों को हाइड्रेट रखते हैं और बालों का जो मॉइस्चर होता है उसे लंबे टाइम के लिए लॉक इन करके रखते हैं। बनाना के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हेयर फॉल को ये कंट्रोल करता है और बालों को शाइनी बनाता है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच हनी लिया है। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, ये बालों को हाइड्रेट रखता है। अब मैंने यहाँ पर एक स्मॉल बाउल दही ऐड किया है। दही के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। जो भी स्कैल्प की परेशानियाँ होती है उन्हें ये ठीक करता है और डैंड्रफ को तो ये जड़ से ख़त्म करता है। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। जिन लोगों के बाल ज़्यादा ऑयली हैं, वो यहाँ पर सिर्फ 1 ही चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये लीजिए, मेरा हेयर मास्क बनके एकदम रेडी हो गया है। इसके एक एक इंग्रेडिएंट ही अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि आप इन्हें अगर इंडिविजुअली अप्लाई करोगे तो आपके बालों की ड्राइनेस को तो ये एकदम ख़त्म कर देगा। और सोच के देखिए, अगर हम इन सबको एक साथ मिला के लगाएंगे तो हमारे बालों में तो ये क्या कमाल कर सकता है, आप सोच ही सकते हैं। अब इसे आप बालों में अप्लाई कर लीजिए और 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये मास्क मैं 12th class से काम में ले रही हूँ। मैं तो इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ। ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए, आप लोगों को भी इस पे विश्वास हो ही जाएगा। 1 से 1.5 घंटे के बाद इसे माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। एक ही एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसे आप हफ्ते में 2 बार लगाइए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। कुछ ही हफ्तों में आपके बालों की जो डलनेस ड्राइनेस है वो एकदम भाग जाएगी और आपके बालों में जो चमक आएगी आप देख के एकदम खुश हो जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मास्क कैसा लगा है। कीप अप्लाइंग, कीप शाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।